को निरीक्षण कर रहे थे। इसी बीच कड़वार इलाके के रन केड़ी स्थित नूर इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां पर चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध युवक नजर आए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी ड्यूटी लगी है, लेकिन उत्तर पुस्तिका लिखने का मामला समझ में नहीं आया। जिसके बाद जब पूरी जांच की गई तो पता चला कि वो पैसे लेकर विद्यालय प्रबंधन की ओर से प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे थे। वहीं तुरंत कार्रवाई करते हुए उन दोनों सॉल्वरों समेत कुल 5 लोग गिरफ्तार। तहरीर दे दी गई है। आपको बता दें कि नकल विहीन परीक्षा को लेकर प्रशासन और जिला अधिकारी चाहे जितने भी सतर्क हों, लेकिन नकल माफिया का ग्रोह कभी कहीं ना कहीं जनपद में बहुत तेजी से काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश आम आदमी शिक्षा की जो बोर्ड परीक्षाएं चली नूर इंटर कॉलेज रंगकेडी जनपद सुल्तानपुर में, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा औचक निरीक्षण किया होगा परीक्षा के दौरान, तो वहां पर दो संदिग्ध व्यक्ति जिनको अध्यापक बताया गया परंतु उनकी ड्यूटी नहीं लगी हुई थी, वहां पर ये परीक्षा केंद्र के बाहर पेपर हल करते हुए पाए गए। उसके बाद उन्होंने तहकीकात करी तो वो परीक्षा के नियम कानून के विपरीत नकल के कराते हुए पाए गए। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा तहरीर दी गई है और जो केंद्र व्यवस्थापक हैं, एसोसिएट केंद्र व्यवस्थापक हैं और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं और इनके विरुद्ध उनके द्वारा तहरीर दी गई है। थाना कुड़वार में FIR दर्ज की जा रही है और विधिक कार्रवाई की जाएगी।